गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने लैंड के बारे में पढ़ा, जाना इसके बारे में क्या क्या इसमें सब टेंसेस होते हैं, उनकी डेप्थ क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें स्टडी किया। ओके, अब इस लेक्चर में हम अगेन आपका उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे उसके बारे में। लैंड एक्चुअली मैं आपको बता चुका था, जो हमारे अर्थ क्रस्ट है उसके 71% पार्ट पर आपका क्या है, लैंड है, और 71 पार्ट पर क्या है, 71% पार्ट पर आपका वाटर है, और 29% पर आपका क्या है, लैंड एरिया है। ओके, तो हमने पढ़ चुके थे, स्टोरी हमने पढ़ी थी इस पोर्ट के बारे में, ऑल दिस थिंग। फिर हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी की थी जिनमें आपका सीप से, कॉटन क्लॉथ से, ये सारी हमने चीज़ें की थी। ओके, एक हमने 4-5 एक्टिविटीज़ हमने की थी, तो उनसे हमें नॉलेज मिली थी क्या हम कर सकते और किस तरीके से। अब देखिए, विच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल। सॉइल में आपको मोस्ट ऑफ दी जो स्मॉल इंसेक्ट हैं आपको देखने को मिल जाएगा, अर्थवर्म हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए, इंसेक्ट्स हुए आपके, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आंट हुई हैं आपकी, तो लाइक दैट ये आपको किस में मिल जाएंगी, सॉइल में देखने को मिल जाएंगी। विच डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सॉइल वी कैन सेपरेटली, तो आप दो टाइप के उसमें कंपोनेंट देख सकते हैं, एक लिविंग और दूसरे नॉन लिविंग। लिविंग में आपका आ गया अर्थवर्म, आ गया आंट्स, आ गई, ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नॉन लिविंग में आपका वाटर आ गया, एयर आ गया, तो ये कैसे हैं आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, ठीक है। लीव्स, फेदर्स, पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सीन, दीज आर लिविंग कंपोनेंट्स। तो देखिए, जिनको फूड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो प्लांट्स हों, बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, तो वो क्या है, जो सांस लेते हों, चलते हों, ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, लिविंग को हम बायोटेक कंपोनेंट्स भी कहते हैं आपका, और सैंड स्टोन जिनको जो मूव नहीं करते हैं, इनको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फूड की, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं, और नॉन लिविंग को हम अबायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ सॉइल में आप लिख सकते हैं फेदर, अर्थवर्म्स, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स में उसके फेदर्स हो गए, अर्थवर्म्स हो गए, लीव्स हो गए, आंट्स हो गए, तो ये सभी उसके बायोटिक कंपोनेंट है। अबायोटिक कंपोनेंट आपका स्टोन हो गया, पेबल्स हो गए, मेटल्स हो गए, आपके बोर्ड हो गया, तो ये सभी कैसे हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। मार्बल, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, जिप्सम, कैल्शियम, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन गैस एट्सेट्रा आर ऑब्टेंड फ्रॉम सॉइल। ये सभी कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, सॉइल से। इज एनी सच थिंग ऑब्टेंड नियर बाय यू, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। ये सभी क्या हैं आपके, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं आपके, मीन्स इनको हम मिनरल्स कह सकते हैं। टोटली ये सब क्या है आपके, मिनरल्स हैं। तो आपके क्षेत्र के पास कोई सा भी मिनरल्स पाया जाता है तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, आयरन आर ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम सॉइल, ये भी सॉइल से निकाले जाते हैं। फ्रॉम वेयर आर दे ऑब्टेंड, तो ये कहाँ से मिलते हैं, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। अब सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, कलर ऑफ सॉइल, सैम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इन द योर एरिया। तो जैसे कलर ऑफ सॉइल की बात करूँ तो कलर में आपका रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, येलो हो सकता है, ठीक है, ग्रे हो सकता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, मोस्टली ये तीन कलर मिलते हैं। जैसे रिवर और कैनाल वाली जो सॉइल है तो वो कैसी होती है, मोस्टली ब्लैक होती है। लेक वाली भी आपकी रेड होती है, फील्ड वाली आपकी ब्राउन और ब्लैक होती है, स्लोपिंग फील्ड वाली आपकी ब्लैक रेड होती है, गार्डन वाली आपकी ब्लैक होती है। अमाउंट ऑफ पेबल्स, पेबल्स मीन्स होता है पत्थर, कंकड़ कैसे हैं, तो देखिए जो कैनाल वाली होती है उसमें मीडियम रहते हैं, लेक वाली में आपके हाई रहते हैं, फील्ड्स वाले में लो रहते हैं, स्लोपिंग फील्ड वाले में मीडियम रहते हैं और गार्डन वाले में मीडियम रहते हैं। अमाउंट ऑफ सैंड, तो इनमें सैंड मिट्टी कितनी प्रेजेंट रहती है, रेत, तो देखिए रिवर वाले में आपकी ज़्यादा रहती है, हाई रहती है,
लेक में भी हाई रहती है, फील्ड में आपका लो रहती है, स्लोपिंग फील्ड में आपका हाई सॉरी मीडियम रहती है, और इसमें आपका गार्डन में हाई रहती है अमाउंट ऑफ क्ले। तो ये अमाउंट ऑफ लोम, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ये डिफरेंट सैंड यानी रेत हो गए, क्ले यानी आपके पेबल्स हो गए, उसमें कंकड़ कैसे वगैरह हैं, अमाउंट ऑफ लोम उसमें लचीलापन कितना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर उसमें जो आपके ऑर्गेनिक मैटर में मिस लीव्स काउ डंग बोट्स वगैरह कितने हैं आपके, कितने परसेंटेज हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स कंपोनेंट, तो देखिए तो अलग अलग टाइप्स की होती है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, तो इन सॉइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो सैंडी सॉइल में क्या होता है, आपके मोस्ट ऑफ दी उसमें सैंड्स पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लैटराइट भी कहते हैं इसको, जिसमें पेबल्स ज़्यादा होते हैं। क्ले सॉइल में आपका क्या होता है, इसमें पेबल्स बहुत कम होते हैं, इनमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लूमी सॉइल, इसमें भी पेबल्स बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं पेबल्स के, लूमी सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी मीडियम होती है। ओके, बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द सॉइल, बेस्ड ऑन द कंपोनेंट ऑफ सॉइल, तो बेस्ड ऑन कलर के आधार पर जनरली द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर, तो तीन कलर की होती है वो सॉइल, विच इज़ रेड इन कलर इज नोन एज रेड सॉइल, ब्लैक कलर की देन ब्लैक सॉइल, ब्राउन कलर की उसको क्या बोलेंगे हम, ब्राउन सॉइल। अब देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो सैंडी सॉइल, द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स नोन एज सैंडी सॉइल, मैंने कहा था आपसे कि जिसमें लार्ज अमाउंट के हों सैंड पार्टिकल्स हों वो सैंडी सॉइल्स होती हैं। द पार्टिकल ऑफ सच टाइप ऑफ सॉइल गेट सेपरेटेड इजीली अलग हो जाता है, द सॉइल ड्राइज सून आफ्टर द रेन, और ये जैसी होती है रेन द सॉइल ड्राइज सून आफ्टर द रेन, मीन्स रेन के खत्म होते ये सॉइल कैसी हो जाती है ड्राई। क्ले सॉइल, द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले पार्टिकल्स, मैंने कहा था आपसे क्ले पार्टिकल्स होंगे पेबल्स वाले, तो उसको क्ले ड्यूरिंग रेन इट्स सॉइल बिकम स्टिकी, स्टिकी यानी चिपचिपी हो जाती है, अच्छी रहती है, स्लिपरी। इन ड्राई सीजन द सॉइल बिकम वेरी हार्ड एंड क्रैक एज डेवलप्ड, तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, अपने खेतों में देखे होंगे। एलुवियल सॉइल या लोमी सॉइल, इसको दोनों, द सॉइल हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल इज फर्टाइल, मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी क्या होती है, कृषि होती है। रीड एंड राइट, व्हाट आर द डिफरेंट ऑफ सॉइल, तीन टाइप्स के, ब्लैक रेड ऑन द ऑन विच टाइप ऑफ सॉइल वाटर इज नॉट सीन आफ्टर इट रेन, तो सॉइल वाटर आपको किस में नहीं मिलेगा, सैंडी सॉइल में। विच टाइप ऑफ सॉइल बिकम स्टिकी एंड स्लिपरी आफ्टर इट्स रेन, तो वो है आपकी कौन सी, क्ले सॉइल। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोर फर्टाइल, एलुवियल सॉइल, तो देखिए व्हाट, अब एक्टिविटी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। थ्री ट्रांसपेरेंट बोटल्स लेना, थ्री प्लास्टिक और ग्लास फनल लेना, तो हमने ले ली। थ्री पीसेस ऑफ कॉटन क्लेथ लेना, वाटर सैंडी क्ले एंड लूमी सॉइल, ये अलग अलग सॉइल हमने ले ली। व्हाट विल यू डू, आपको क्या करना है, देखिए टेक सैंपल्स ऑफ सैंडी क्ले एंड एलुवियल सॉइल, तो इन तीनों सॉइल के हमने सैंपल ले लिए अलग अलग। टेक थ्री ट्रांसपेरेंट बोटल ऑफ इक्वल साइज, इक्वल साइज की तीन बोटल ग्लास की, पहले ही लिखा हुआ है ग्लास की बोटल ले ली हमने। लेबल ऑन बोटल विथ सैंड, अदर विथ क्ले एंड थर्ड विथ एलुवियल, तो आपको क्या करना है, तीनों के अलग अलग नाम लिख ले। कीप थ्री फनल ऑन द माउथ ऑफ द वाटर, तीनों के फनल रखना है आपने, कीप जिसको हम कहते हैं। कीप बैट कॉटन क्लॉथ इन दैम, और उनमें क्या डालना है आपका, कॉटन क्लॉथ डालना है गीला। ओके, अकॉर्डिंग टू द लेवल्स ऑन द बोटल पुट इक्वल क्वान्टिटी ऑफ सॉइल इन द फनल, और उनमें क्या एक बराबर क्वांटिटी का क्या डालना है आपको, वो डालना, क्या कहते हैं उससे, इक्वल क्वांटिटी की सॉइल लेना है उसमें, सैंडी हो क्ले हो या लूमी। अकॉर्डिंग टू लेवल एड इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ईच फनल, अब इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर उसमें डाल देना, मीन्स अगर सभी में एक एक गिलास पानी डालना है तो सभी में एक एक गिलास ही डालना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फास्ट मीडियम, देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर सैंडी सॉइल में फास्ट होगी, क्ले सॉइल में मीडियम होगी, ओके, और एलुवियल सॉइल में स्लो होगी, ठीक है। लेवल ऑफ वाटर इन बोटल, तो इसमें मोर होगा सैंडी सॉइल में, इसमें मीडियम होगा, इसमें लेस होगा एलुवियल। अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द फनल, तो इसमें लेस होगा,
उसमें मीडियम होगा, क्ले सॉइल में सब मीडियम होगा और इसमें लेस आएगा एलुवियल में। ओके, रीड द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मीन्स जो कोई भी सॉइल कितने टाइम तक वाटर को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू ड्रेन आउट वाटर इज नोन एज वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ, मीन्स जो जितना होल्ड कर सकती है उसको होल्डिंग, और जितनी जल्दी निकाल देती है उसको कहते हैं ड्रेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट वाटर होल्डिंग एंड वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी, तो अलग अलग सॉइल में अलग अलग होती है। थिंक एंड राइट में देखते हैं, व्हाई डज वाटर ड्रेन फास्ट इन सैंडी सॉइल, क्योंकि उसमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं। व्हाई डज वाटर ड्रॉन स्लो इन क्ले सॉइल, ओके, क्योंकि इसमें स्लो होता है, क्योंकि इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो वो जल्दी से उसको निकलने नहीं देते। व्हाई इज मोर वाटर स्टोर्ड इन एलुवियल सॉइल, क्यों उसमें ज़्यादा स्टोर होता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो पूरे वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं और धीरे धीरे उसमें से क्या निकल पाता है, आपका वाटर निकल पाता है। ठीक है, फिल इन द कलर्स में देखते हैं, इन द गिवन सर्किल फिल इन द डिफरेंट कलर्स ऑफ योर चॉइस, इसमें हमें भरना, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कंपोनेंट सोन हियर मेंशन टाइप ऑफ सॉइल टेक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस। देखिए सैंडी सॉइल में ये सैंड दिया है, सिल्ट, क्ले, स्टोन्स, तो ये आपको अलग अलग तरीके से जब हम बुक फिल करेंगे उसकी क्या कहते हैं वर्क बुक, तब हम इसको और अच्छे से करेंगे। देखिए अगर मैं देखूं मेंशन, जैसे सैंडी सॉइल में तो सैंड ज़्यादा होती है तो इसको सैंड से क्लिक कर देंगे, ओके, सैंड ज़्यादा होती है तो इसमें सैंड आ जाएगा। सिल्ट क्ले में ज़्यादा होते हैं तो क्ले में टिक कर देंगे, ओके। एलुवियल में क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक रेजिड्यूज ज़्यादा होते हैं, ओके, नहीं इसमें क्ले वाले में क्ले ज़्यादा ही होती है और इसमें सिल्ट ज़्यादा होते हैं एलुवियल में, तो इस तरीके से हम टिक कर देंगे। तो इन दिस वे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से रीड करना है, समझना है, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, और जब मैं बुक में इसको वर्क बुक फिल करवाऊँगा तो बहुत अच्छे से इसको और एक्सप्लेन करूँगा उसके क्वेश्चन आंसर को, तो आप और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट, चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती यू कैन आस्क मी, ओके। बस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, समझना है उसको, और अपनी तरफ से कोशिश करिए क्वेश्चन आंसर लिखने के। ठीक है, थैंक यू।